और बड़ा इम्पोर्टेंट है डॉलर यार, पूरी दुनिया ही डॉलर पे मरती है, डॉलर डॉलर करती है, डॉलर पे मरते हैं। अब किन किन कंट्रीज की करेंसी डॉलर है? तो देखो, यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, अच्छी उसका पड़ोसी कनाडा और इन्हीं का एक और थोड़ा सा फासले पे परमोदा भी कभी वेस्ट इंडीज का पार्ट था। वेस्ट इंडीज क्या है, एक क्रिकेट टीम है जिसमें बहुत सारे मुल्कों की टीमें शामिल हैं, जिनमें बारबाडोस, जमैका और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ये तीन बढ़िया कंट्रीज हैं। परमोदा की भी पहले क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज में शामिल थी, उन्होंने अपनी अलग कर ली है। तो इन सब की करेंसी क्या है? डॉलर। यूएसए, कनाडा, परमोदा, बारबाडोस, जमैका, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ये छः की छः कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में? अमरीका। अब आ जाओ ओशियानिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को तो सभी शामिल हैं, न्यूजीलैंड इस वक्त टेस्ट की वर्ल्ड चैंपियन है, और फिजी एक और कंट्री जिसका कैपिटल है सुवा, ठीक है। इन तीनों की करेंसी भी डॉलर है, यानी ये तीन तो पहले हमने यूएसए, कनाडा, परमोदा देखे, फिर तीन वेस्ट इंडीज़ के, बारबाडोस, जमैका, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी। अब ये तीन कंट्रीज हैं हमारी जो कि एशिया में, सिंगापुर, ताइवान, इनकी करेंसी भी क्या है? अब देखो, हांगकॉन्ग जो है ये अब चाइना का पार्ट है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट है। ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को चाइना मानता है। और दो अफ्रीका की कंट्रीज भी ऐसी हैं जिनकी करेंसी डॉलर है, एक तो जिम्बाब्वे और एक नामीबिया। जी हाँ, नामीबिया की टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है 2020 वर्ल्ड कप में, और जिम्बाब्वे तो टॉप 16 में नहीं आया इस बार टेस्ट टीम होने के बावजूद।